उनका कहना है कि मतलब जो ये भगवान है वो रात को चप्पल पहन के पूरे गांव में घूमते हैं। तो ये गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लग रहा है तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारा यहाँ का लास्ट डे और इसलिए हम लोग सुबह उठ के आ गए, देख रहे सनराइज कैसे है, क्या है, कुछ है। तो मैं और सरोज दोनों उठ के आ गए, अभी करते हैं वॉक। तो फाइनली अभी हमारा यहाँ से पैकअप हो गया है और हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है कुंकेश्वर मंदिर। तो फिर मिलते हैं जर्नी पे। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए कुंकेश्वर मंदिर। ये जो पीछे मंदिर है ये है मंदिर और पीछे बीच, मतलब बीच के बगल में लग के है ये मंदिर। तो चलते फटाफट दर्शन करते हैं। तो फाइनली हमारा दर्शन करके हो गया है और अभी हम लोग आ गए मंदिर के बाहर। ये जो पीछे मंदिर है ये मेन मंदिर है भाई। बाहर बहुत गर्मी लेकिन अंदर एकदम ठंडा ठंडा माहौल था। यहाँ से बस व्यू देखो, अब व्यू। तो अभी दर्शन करके हो गया और बहुत धूप है, बहुत प्यास लगी है। तो आए यहाँ पे पानी पीने के लिए। अभी ये भाई के नंबर है, उनके बाद फिर हमारा नंबर। तो यहाँ पे दर्शन हो गया और अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से आगे जाना है हमें वेतोबा टेम्पल, तो देखते हैं वो कैसा टेम्पल है। ये हमारा लगेज और निकलते है वेतोबा टेम्पल। तो भाई एक स्पॉट पे हम लोग रुके हैं, दिखाता हूँ आपको मैं वो स्पॉट। जरा मेरे पीछे देखो भाई, जहां तक नजर जा रही है वहां तक समुंदर ही समुंदर है। तो भाई 3 दिन से हम लोग बहुत घूम रहे और फाइनली अभी हम लोग आगे गैरेज में। तो ये गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लग रहा है तो भाई अपना राइडर है इसलिए वो किसी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मतलब काम करा लेते हैं। और हमारी गाड़ी है जो चढ़ान पे चढ़ी नहीं रही है, उसके पिकअप का कुछ देखते हैं।
हम लोग आ गए चिपी एयरपोर्ट के यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी बाइक टेक ऑफ करने वाली है और रनवे पे आ गए है। भाई बहुत धूप है तो अभी लिया है ब्रेक, पीते हैं पाइनएप्पल जूस। तो ये मंदिर की खास बात है, ये सब जो भी डिज़ाइन आपको दिख रहा है ये कोई सांचे में नहीं बनाया है, ये सब हैंडमेड है। सब हैंडमेड है। तो फाइनली हम लोग अभी वैतुला मंदिर में आ गए और हमारा दर्शन हो गया है। और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, जो मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे जो भी चप्पल रखे हैं, यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है। ये ऐसा है कि ये लोग आके यहाँ पे रख देते हैं चप्पल और बोलते हैं कि वो चप्पल अपने आप घिस जाती है। मतलब आप समझ लो, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे कि जो चलने के बाद जो यूज होती है चप्पल वो कैसे होते, ऐसे हो जाता है। उनका कहना है कि मतलब जो ये भगवान है वो रात को चप्पल पहन के पूरे गांव में घूमते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे नए नए चप्पल लाके रखते हैं और वो ऑटोमेटिक घिस जाते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि जो वेताल है, वेताल उनके जो भाई है वो है वेतोबा और उनका ये मंदिर है। और ये वेतोबा जो है, जो रहते हैं ना राखनदार, मतलब जो गांव की रक्षा करते हैं, गांव में रात को घूमते हैं, तो वो ये करते हैं और इसलिए उनको चप्पल अर्पण करते हैं और वो चप्पल है जो अपने आप घिस जाती है। तो अभी यहाँ पे दर्शन हो गया और यहाँ से हम लोग देख लेंगे कुड़ाल, जहाँ पे हमें हमारी बाइक रिटर्न देनी है और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के होम स्वीट होम। तो चलते हैं फटाफट क्योंकि बहुत दूर जाना है। सुबह से हम लोग ने बहुत ट्रैवल किया है। पहले सुबह हम लोग 75 किलोमीटर्स गए, वहाँ से 80 किलोमीटर्स यहाँ पे आए और यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स और जाना है। तो टाइम पास नहीं करते, फटाफट निकलते हैं। तो अभी 4 दिन के पिकनिक के बाद अभी मैं फाइनली आ गया हूँ घर पे। 4 दिन में मेरा कलर चेंज हो गया है। अब पहला ब्लॉग देखिए और मेरा आज का वीडियो देखिए, उसमें कलर देखिए। तो बहुत एंजॉय किया हमने और आपने देखा ही रहे कि कहाँ कहाँ हम गए थे। तो यही थी हमारी पिकनिक, यही था हमारा वीडियो।
तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा रहेगा तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।